नमस्कार, एनटीआई पॉकेट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचना मिश्रा और चलिए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की। जानलेवा निपाह वायरस के फैलने के बाद केरल में लोगों के बीच खौफ का माहौल। वायरस की चपेट में आने से कई लोगों की मौत। चमगादड़ों को पकड़ने के लिए कुओं और पेड़ों पर डाले जा रहे हैं जाल। कर्नाटक फार्मूले पर फाइनल मंथन आज। डिप्टी सीएम की रेस में जी परमेश्वर सबसे आगे। कर्नाटक में कांग्रेस ने मांगे डिप्टी सीएम के 2 पद। जेडीएस ने साधी चुप्पी। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट रात भर रही हैक। होम पेज पर लिखा हैप्पी बर्थडे पूजा, सुबह ठीक हो पाई वेबसाइट। 1 साल में अचानक बढ़े हैं हैकिंग के मामले। उत्तराखंड में आग से 2 दिनों में 70 हेक्टेयर वन जलकर राख। SDRF और वन विभाग की टीम मौके पर। आग के कारण कई इलाकों में धुंध। आग पर काबू पाने के लिए करीब 4.5 करोड़ की राशि हुई जारी। दिल्ली के आर्क बिशप ने कहा धर्मनिरपेक्षता खतरे में, 2019 के लिए प्रार्थना करें। भाजपा ने जताई आपत्ति। आर्क बिशप के बयान पर संघ विचारक राकेश सिन्हा ने कहा सब वेटिकन के इशारे पर हो रहा है। बंगले को लेकर मायावती ने चली तिकड़मी चाल। बंगला खाली करने से बचने के लिए काशीराम विश्राम स्थल का लगाया बोर्ड। अखिलेश यादव ने 2 साल की मोहलत मांगी। श्वेता बच्चन ने किया एक्टिंग में डेब्यू। पिता के साथ ऑन स्क्रीन एक एड में आएंगी नजर। बाप बेटी के इस प्यार भरे रिश्ते की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। ये एड इस साल जुलाई तक होगा एयर। पेट्रोल डीजल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर, फिलहाल नहीं मिलने वाली राहत। उत्पाद शुल्क नहीं घटाएगी सरकार। हालांकि पेट्रोलियम मंत्री ने दिया जल्द राहत का भरोसा। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी के साथ पुलिस कांस्टेबल ने की हाथापाई। रीवा जडेजा की कार की मोटरसाइकिल से टक्कर का मामला। घटना जामनगर में सारू सेक्शन रोड पर हुई। मामला हुआ दर्ज। और दिल्ली जाने वाली कई ट्रेनों का गंतव्य स्टेशन बदला। बिहार, झारखंड और यूपी के लोग होंगे प्रभावित। पटरियों से बोझ होगा कम, समय पर चलेंगी गाड़ियां। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन लगातार खबरों के लिए देखते रहिए NTI पॉकेट टीवी। हमारी वीडियोज को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।